हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई नो आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं एंड आप खुद भी घर पर रह रहे हैं और दूसरों को भी घर पर रहने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में अपनी प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को फुल हैंड पे एक मेहंदी डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी, तो आज मैं वो डिज़ाइन लेके आ गई हूँ गाइस। एंड ये वो डिज़ाइन है जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने मेहंदी लगानी सीखी थी ना, सीखने के बाद मतलब फर्स्ट जब मैंने किसी के हाथ पे डिज़ाइन ड्रॉ किया था तो यही वो डिज़ाइन जो मैंने ड्रॉ किया था। और जब मैं मतलब ये ड्रॉ करना सीखी थी देन, तब तो मुझे बहुत इतना क्लैरिटी नहीं थी मेरे हाथ में, तब इतना क्लियर नहीं बना था। तो दैट टाइम आई वॉज़ रियली हैप्पी कि चलो मुझे थोड़ा थोड़ा तो लगाना आ गया है। तो चलिए अब इस डिज़ाइन की ही बात कर लेते हैं। हमने क्या किया है, बस एक डिज़ाइन में पैटर्न देखिए, जैसे कि हमने स्टार्ट किया है स्ट्रेट लाइन से और फिर हम ये स्ट्रेट लाइन में बॉर्डर लगा लीजिए, अब हम इसको फिल कर रहे हैं। देखिए हमने क्या किया है, बिल्कुल वही वाइंस बोल लीजिए आप या टीयर ड्रॉप एलिमेंट यूज़ करके और फिर साइड पे फ्लोरल पैटर्न यूज़ किया। और जैसे कि मैंने बोला कि आउटलाइन आप सबसे लास्ट में ही करेंगे, जब वो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर शेप के अंदर जब वो पूरा का पूरा जो फिलिंग एलिमेंट जब फिल कर लेंगे ना, तब जाके आपको उसकी आउटलाइन करनी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब भी कोई आप शेप ड्रॉ करें और उसके अंदर पूरा जो वो फिलिंग एलिमेंट कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही उसकी जो आउटलाइन है वो आपको करनी है। ये मैं चीज़ आपको बार बार बोलूँगी ताकि आप लोग ये भूलें मत, क्योंकि मेरे को भी अभी मतलब अभी जस्ट पता लगा है इन द केस, क्योंकि वही छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो डिज़ाइन है वो इतना क्लैरिटी नहीं आता है, फिर इतना फिनिशिंग नहीं आता है उसमें। अब देखिए हम इसमें वही वी शेप फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं और फिर हम इसमें वो जो सिक्स वाला एलिमेंट है वो फिल करेंगे। आप चाहे तो ये वी शेप फ्लावर के अंदर ड्रॉ करने के बाद ये पूरा का पूरा जो आउटर अंदर बच जाता है ना पोर्शन, उसे मेहंदी से फिल भी कर सकते हैं, हम लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने वो आपको कराया नहीं है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। देखिए अब मैं यहाँ शायद ये जलेबी पैटर्न यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जो सिक्स वाला पैटर्न हम यूज़ करते हैं ना वो भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डॉट डाल के वो जो हम डिफरेंट लाइंस यूज़ करते हैं 1 2 3 जितनी भी लाइंस हम यूज़ करते हैं हम वो भी कर सकते हैं, आपकी विश। अब जितनी भी वेरिएशंस मैं आपको बता रही हूँ, आपको वो सारी वेरिएशंस एटलीस्ट 1 टाइम प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए इसमें वही हम सिक्स ड्रॉ करके वो जो फ्लावर फ्लोरल पैटर्न है हम वो यूज़ करें। हम मैंने देखिए यहाँ पे 2 लेयर ली हैं फ्लोरल की, आपकी मर्ज़ी आप जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं। अब देखिए मैंने बिल्कुल थिन वाली लाइन यूज़ की है इस सिक्स को ड्रॉ करने के लिए, आप जो चाहें तो थोड़ी थिक वाली लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और वही अब मैंने क्या किया है, देखिए बोल जो फ्लोरल में थिन वाली लाइन्स यूज़ किया, अब जैसे मैंने आपको थिक वाला फ्लोरल भी सिखाया है, मतलब एक फ्लोरल के जो वेरिएशंस थे, अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी तो जो लिंक है वाई बटन में आप जाइए देखिए कि फ्लोरल के जो डिफरेंट हमने लेयर्स की थी ना, थिन वाली लाइन और थिक वाली लाइन, लिंक जो है वो वाई बटन में आप जाइए देखिए। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया जब अंदर का जो पैटर्न है वो कम्प्लीट हो जाए उसके बाद आपको आउटलाइन की करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। फिर ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिए हैं और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम इसकी आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन मैं बार बार याद दिलाऊंगी आपको जिससे कि आपको याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। जो गलतियां मैंने की मैं नहीं चाहती आप लोग भी करें, इसलिए मैं आपको ये बार बार चीज़ें रिमाइंड करवाती रहती हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, अब ये फिर एक बहुत बड़ा वी ड्रॉ कर लिया, कुछ लोग इसे कैरी भी बोलते हैं पर मैं इसे वी ही बोलती हूँ कि मुझे वी वाला शुभ पोर्शन ही लगता है। अब देखिए हमने फिर से वही जलेबी और 3 लाइन पैटर्न यूज़ किया है, आप चाहिए तो 3 लाइंस डाल के जो बीच में हाफ सर्कल सेमी सर्कल हम बना रहे हैं उसे फिल कर दीजिए, मतलब एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए उसे फिल कर दीजिए, फिर उसके ऊपर 3 लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, आप वैसे भी कर सकते हैं। आप चाहिए तो डॉट डालिए उसके ऊपर 3 लाइंस मतलब 3 सेमी सर्कल्स डालिए, वो भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं ये फ्लोरल पैटर्न यूज़ कर रही हूँ उसकी आउटर लेयर पे इस वी की, आप जाइए डॉट 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 डालिए जो हमने, और फिर उसको ड्रैग करके जैसे हम बाहर ले आते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी करा, आप वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए
अब हम इसमें क्या करेंगे, टीयर ड्रॉप एलिमेंट का यूज़ करेंगे। आप चाहिए तो यहाँ चेक्स भी बना सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुकी हूँ। अगर आपने चेक वाली वीडियोस भी नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए देखिए, उसका लिंक जो है वो आई बटन में है। देखिए हो गया, अब इसकी हम फिर आउटलाइन कर देंगे। अब फिर वही बेसिक जो पैटर्न होता है हम वही यूज़ कर रहे हैं, फ्लोरल एलिमेंट का मैंने बताया था ना, ये वाला प्रैक्टिस करने के लिए आपको चारों डायरेक्शन में इसको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब देखिए फिंगर के, मैंने आपको फिंगर के ना डिफरेंट वेरिएशन अभी तक नहीं करे हैं, तो जो इस डिज़ाइन के हम के अंदर हमने एलिमेंट्स ड्रॉ किए हैं तो उसे हम फिंगर पर कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि देखिए जो वाइन्स ये टीयर ड्रॉप एलिमेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है ना, बॉर्डर पे भी किया था और यहाँ पे भी किया है इस वी के साथ, आप चाहें तो वो टीयर ड्रॉप एलिमेंट को इस फिंगर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा भरा हुआ सा डिज़ाइन हो जाए तो हमने वही जो बेसिक पैटर्न हमने मतलब पूरे डिज़ाइन में फिल किया वही हम फिंगर्स पे ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि देखिए हम वही थ्री लाइन्स ड्रॉ करेंगे, अभी पहले पैटर्न ड्रॉ कर लिया हमने थ्री लाइन्स, उसके ऊपर थिन वाली लाइंस मतलब थिन वाला फ्लावर पैटर्न, फिर थिक वाले फ्लावर बनाने हैं और फिर उसको फिल कर देना ऊपर से। और जो मैंने ये ऊपर जो स्पेस छोड़ा है आप देख ही रहे होंगे फिंगर्स में, वो किस लिए होता है कि आपको याद ही होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ लोगों को फिंगर्स की जो टिप्स है वो फिल करने का बहुत शौक होता है, तो ये मैंने उसी लिए छोड़ा है। आप चाहें तो इसको पूरी फिंगर पे भी कवर कर सकते हैं। सो गाइस आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होंगी, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, एंड गाइस थैंक्स अ लॉट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।